हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से बिजली का अप्लाई कैसे कर सकते हैं। मोबाइल से अप्लाई करने के लिए सिर्फ आपको किसी ब्राउज़र में जाना होगा और वहाँ पे राइट साइड में आपको 3 डॉट का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करके डेस्कटॉप साइट को सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं आगे का प्रोसेस लैपटॉप की स्क्रीन पर दिखाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इस वाले वेबसाइट पर आना होगा। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहां से आ सकते हैं। उसके बाद आप न्यू कनेक्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद न्यू सर्विस कनेक्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहां से आपका अपना मोबाइल नंबर डालना है। तो चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूं। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं डिस्ट्रिक्ट अपना सिलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, उसको यहाँ पे फिलअप कर देना है। यहाँ पे आप अपना OTP फिल करेंगे। तो चलिए मैं फिल कर लेता हूँ। उसके बाद से यहाँ पे आपका एप्लीकेशन का नाम भरना है। उसके बाद यहाँ पे उसका फादर का नाम, यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी फिल करेंगे। यहाँ पे आप हाउस नंबर, उसके बाद यहाँ पे एड्रेस लाइन 1, उसके बाद एड्रेस लाइन 2, उसके बाद एड्रेस इन सेलेक्ट यहाँ पे आपको कर लेना है। तो चलिए मैं कर लेता हूँ। मैं इन तीनों को फिल कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे अपना ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना पंचायत सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना विलेज सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको टैबलेट सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट वाले सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको फेस सेलेक्ट कर लेना है। आप 1 फेस का लेना चाहते हैं या 3 फेस का, तो मैं 1 फेस का लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं 1 सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अपना लोड सेलेक्ट करेंगे, तो मैं 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ID प्रूफ ऑफ एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट साइज मस्ट बी फिट लेस देन 500 KB। आप अपना डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे सबमिट करेंगे, लेकिन वो डॉक्यूमेंट जो है 500 KB का ही रहना चाहिए, और वो भी डॉक्यूमेंट्स JPEG और PNG फाइल में अपलोड करना है। तो चलिए मैं फिर, तो मैं आधार कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद चूज फाइल, तो मैं डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद एड्रेस प्रूफ में एप्लीकेशन का डॉक्यूमेंट मांगा, इसमें भी हम आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आधार कार्ड का आगे का फोटो का साइज, उसके बाद पीछे वाला साइज, तो मैं चलिए दोनों को फिल कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन का फ़ोटो सिलेक्ट करना है, तो चलिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद से पूछा जा रहा है फ़ोटो ऑफ ओनरशिप फर्स्ट पेज ऑफ लेस डेट रेंट एग्रीमेंट अदर, यहाँ पे आप अपना ज़मीन का रसीद दे सकते हैं। तो चलिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे दूसरा रसीद है केवल कागज़ भी दे सकते हैं। तो चलिए मैं, अगर आपके पास नहीं है तो सेम चीज़ इसमें भी आप फिल कर देंगे। तो चलिए मैं इसको भी फिल कर देता हूँ। उसके बाद आपको सारा कुछ मिला लेना है। अगर सही लग रहा है तो यहाँ पे सबमिट करेंगे। आर यू श्योर? ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको न्यू कनेक्शन रिक्वेस्ट क्रेडिट विद रिक्वेस्ट ID नंबर दे दिया जाएगा, आप इसको कॉपी करके रख सकते हैं। तो चलिए मैं इसको कॉपी कर लिया। उसके बाद आपको ये रिक्वेस्ट ID कहीं पे रख लेना है, और आगे इसको बिजली का स्टेटस जानकारी प्राप्त करने में इस रिक्वेस्ट ID को डालकर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।